गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेरियंस का ऑल टाइम फेवरेट मशरूम चिली की रेसिपी। ये जो रेसिपी है काफ़ी सिंपल है, तो फिर चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन मशरूम यूज़ कर रही हूँ। आप अपने कोई भी मनपसंद का मशरूम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मशरूम चिली बनता है ना, वो बटन मशरूम से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो मशरूम को अच्छे तरीके से धो लेंगे, और उसके बाद ना यहाँ पे मेरा मशरूम थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको 4 पार्ट्स पर कट कर रही हूँ। अगर आपका मशरूम का साइज़ छोटा है तो आप सिर्फ बीच से ही एक बार कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लेंगे, उसके अंदर सारे कटा हुआ मशरूम ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़ा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, और ये दोनों चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच मैदा और 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का। अगर आपके पास अरारोट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल, और साथ ही साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जैसे कि हम लोग का जो मशरूम है वो अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो मशरूम है वो एकदम रेडी हो गया है। तो फिर चलिए जल्दी से इसको फ्राई कर लेते हैं। और जब आप लोग इसको जो कोटिंग बनाते हैं ना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तभी ना आप लोग नमक ऐड मत कीजिए, वरना जो मशरूम का पानी है वो पानी छोड़ देगा और मशरूम हमारा काफ़ी सॉगी बन जाता है। यहाँ पे हम लोग मशरूम को ना दोनों साइड से जब तक गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाता है तब तक हम लोग इसको फ्राई करेंगे, या फिर जब तक मशरूम एकदम क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। तो मशरूम को फ्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लगभग 5 से 6 मिनट के बाद हमारा जो मशरूम है वो थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी बनना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर ना मैं सारा मशरूम को ऐसे फ्राई करके साइड में रखती हूँ। तो अभी हम लोग सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले प्याज ली हूँ, उसके बाद फाइनली कटा हुआ अदरक, मिर्ची, बेल पेपर्स और थोड़ा सा गार्लिक। तो अभी हम लोग एक स्लरी बना लेंगे। स्लरी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का, कॉर्नफ्लोर को ना अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड में रखती हूँ। तो अभी हम लोग फाइनली अपना चिली बनाएंगे। तो सबसे पहले तेल ऐड करेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे। जब तक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आ जाता है तब तक हम लोग उसको सौते करेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे दोनों प्याज और बेल पेपर को। यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो येलो और रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सौते करेंगे हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए। ज़्यादा कुकिंग इसको नहीं करेंगे, नहीं तो जो वेजिटेबल्स है ना वो एकदम सॉगी बन जाता है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर सारा सॉस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, साथ ही साथ ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा केचप। उसके बाद है ये दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारा जो कुकिंग प्रोसीजर है ना, इसको एकदम हाई फ्लेम में करना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पानी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं सेमी ग्रेवी का बना रही हूँ। अगर आप लोग को पूरा ड्राई रखना है तो आप लोग इसके अंदर पानी ना दीजिए, अगर आप लोग को ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो फिर ज़्यादा पानी दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ ही साथ नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। फिर से और एक बार ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो कॉर्नफ्लोर का स्लरी बना के रखे थे ना, उसको ऐड कर देंगे और इसको बॉईल करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हम लोग स्लरी इसके अंदर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो ग्रेवी बने वो एकदम थिक बने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से थिक हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हमारा फ्राइड किया हुआ मशरूम।
तो ये जो मशरूम चिली मैं बना रही हूँ ना, इसके अंदर मैं कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रही हूँ, या फिर कोई भी अजीनोमोटो या फिर चाइना सॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये जो मशरूम चिली है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और एकदम फटाफट बन जाती है, वो भी एकदम कम से कम सामान के साथ। तो अभी मैं ये मशरूम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और हमारा जो मशरूम चिली है ना, वो एकदम बनके तैयार है। तो है ना ये रेस्टोरेंट जैसे सिंपल और इजी, तो आप लोग भी घर में ज़रूर इसको बनाइए, क्योंकि घर में बनाने से ये एकदम इजीली बन जाती है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो ऊपर से ऐड कर दूँगी फाइनली चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ता, आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा जो मशरूम चिली है वो बनके एकदम तैयार है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।